तो दोस्तों फिर से आ गए एक और रिएक्शन वीडियो लेके, बहुत बढ़िया बढ़िया मीम है, मतलब होने तो चाहिए, मैंने देखे नहीं है पर सप्लायर पे भरोसा है हमें। अच्छा चलो देखते हैं। और हाँ, मैं लैपटॉप थोड़ा बाजू रखूंगा, नहीं तो लोग कहते हैं कि ये लैपटॉप का शो ऑफ कर रहा है। भाई मैं जानबूझ के नहीं करता हूँ, उसमें देख रहा हूँ वो दिख जाता। क्या वो एप्पल के ऊपर मैंगो चिपका लूं? उसका बहुत में फंस गया। उसको हटाते नहीं बन रहा उससे हवा में। और मैं बताऊं, ये सीरियल जब अंटिया देख रही हूँ, वो बेचारी वो फंस गई। पंखा बंद कर दो भाई, पंखे में बटन होती है। मर मर ना जाए भाई वो बेचारी। ओ फोन बंद करो। हीरो में दिमाग है, हीरो में दिमाग है। पीछे से लाइट काट दो, बचाओ 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 बचाओ, पीछे खड़ो के बचाओ बचाओ। अरे वो पंखे में एक लात दो बंद हो जाएगा, स्टैंड फैन है वो, बचाओ बचाओ। उससे स्विच नहीं निकल रहा। अरे कोई मेन स्विच ऑफ करो। मरेगी भाई ये, मरेगी आज ये, मरेगी, स्टैंड फैन में फांसी लगेगी इसकी आज। ये नहीं निकल रहा, प्लीज कोई हेल्प करो। टोली लाओ 5-6 हजार लोगों की, वो स्विच से वो उसको निकालने के लिए बोर्ड से। एंड दिखाया नहीं इन लोगों ने वैसे, पर भगवान जाने क्या होगा। पर ये फैन जिस भी कंपनी का था ये मुझे चाहिए भाई, ना उसका बोर्ड निकलता है और ना वो फैन बंद होता है किसी से। खतरनाक भाई ये सीरियल वाले भाई, कभी वो गोपी बहू बेचारी लैपटॉप धो देती है कभी। भैंस भी लाइक अपना है, रोना धोना हगना पोतना सब ना इंस्टाग्राम पे जाके करो, वहीं ठीक है, मेरे सामने नहीं चलता ये। 25,000 हंसने के मीम डाल देते हैं ये लोग। नथिंग माई फ्रेंड्स अरेंज मैरिज भी लाइक। अब लाइक क्यों नहीं शादी कर रहे हैं इस लड़के से? लड़के देखने में बहुत अच्छा है। तो अच्छे है तो क्या करें चाहते? शादी की स्टेज पे बैठ के ये बातें हो रही है कि अच्छे है तो क्या करें चाहते? इनके यहाँ जो दहेज का पैसा मेरा बाकी है, मेरा, हम इनसे दहेज ले रहे हैं, हम किसी से डरते नहीं है, ठीक ना? वो दहेज ले रही है उससे। विमेन भाई इक्वालिटी एकदम ना, इक्वालिटी ऐसी होती है कि जो इंसान नीचे उसको ऊपर लाए जाए, ऐसी नहीं होती कि जो अगर एक इंसान गलत कर रहा है तो अपन भी नीचे चले जाए। लड़के दहेज लेंगे तो हमें दहेज नहीं लेना है बहन, दीदी। वैसे आप है क्या? हम एक टीचर है, सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं, और ये दहेज ले रहे हैं लड़के। हाँ। लड़के से खुद। हाँ तो क्यों नहीं ले? नहीं। हम एक पोस्ट पे हैं, ये क्या करते हैं पूछिए इनसे, मामूली सी कंपनी में काम करते हैं। मामूली सी कंपनी में जॉब करते हो, लाखों करोड़ों लोगों की तरह, बेचारे सब प्राइवेट जॉब वालों की बेइज्जती हो रही है इधर। फोन कर रहे हैं जो मेरा बाकी पैसा। हाथ जोड़ के खड़ा है भाई बेचारा, वैसे मुझे स्क्रिप्टेड सी लग रही है वीडियो। कैसा हाथ जोड़ के खड़ा है? दहेज का, हमको दहेज का पूरा पैसा चाहिए। हाँ तो उनको कहिए पैसा हमको दे, दहेज का जो पैसा बाकी है देंगे, उसके बाद ही हम शादी करेंगे, नहीं तो बारात लेके वापस घर जाए। बारात लेके आई है वो भाई, ये स्क्रिप्टेड वीडियो है, ये जानबूझ के इन लोगों ने रिवर्स मोड में बनाई है। बारात लेके आए हैं बड़े। रानी मूवी के हीरो बड़े चिकने सपाटे रहते हैं। How dare you look at me? तुम्हारी हिम्मत कैसी है मुझे घूरने की? वो बेचारा पूरी क्लास देख रही है उसको, देखो वो पीछे ब्लैक है, वो धुंधली सी दिख रही, वो भी यही देख रही है। मैंने कहा तुम मुझे क्यों देख रहे हो? तुम्हें कैसे पता कि मैं तुम्हें देख रहा हूं? इसका मतलब तुम मुझे देख रही थी। क्या मैं पूछ सकता हूं कि तुम मुझे क्यों देख रही थी? भाई साहब उन्हों रिवर्स कार्ड, लड़कियों को देखते रहो जब तक वो तुम्हें ना देख ले, और फिर उनसे बोल दो कि तुमने ही तो मुझे देखा ना। बताओ क्यों देख रही थी तुम मुझे?
अच्छी ट्रिक है पर दोस्तों यूज मत करना, असली में यूज करोगे चप्पलें पड़ जाएंगी। प्यार करती हूँ मुझसे। अरे ये सीरियल टीवी पे नहीं दिखते आजकल, इंस्टाग्राम पे ज्यादा दिखते हैं मीम। मर सकती हो मेरे लिए। हाँ तो मरो भाई साहब, उसको फेंक दिया उसने छत से। मर सकती हो मेरे लिए, मर जाओ। उसने ही बिठाया था ना उसको, बिठाया इसीलिए था, पूरी चालबाजी थी। और करो प्यार। अच्छा कैसी हो तुम, दफा हो जाओ, निकल जाओ मेरी जिंदगी से, मर जाओ। बर्तन धोकर आई हो? हाँ, इसीलिए लड़कियों के मूड स्विंग होते हैं, बेचारियों के पास काम भी कितने रहते हैं। वो बात अलग है, मैं बर्तन धोता हूँ तो मेरे को तो नहीं लगता ऐसा कोई गुस्सा गुस्सा। ओ भाई दो लोग हो, मेरे को दूर से लगा एक ही इंसान चल के आ रहा पानी में से। अरे भाई वो बाजू वाला नाम का सपोर्ट दे रहा है, बस हाथ पकड़ के रखा है। उसका पैर सरका ऊपर, उसके धड़कन तेज हो गई होंगी लड़की की। चींटी और हाथी की कहानी तो सच निकली। मैं कोचिंग चलाता हूँ और ये उस कोचिंग में, मेरे कोचिंग में ये लड़की पढ़ती थी और ये पैसा ना देने के कारण मैंने इससे शादी कर लिया। वो लड़की बेचारी आज भी बंधुआ समाज में जी रही है, जहाँ पहले लोगों को वो बना लिया जाता था बंधुआ मजदूर। कोचिंग कितनी महंगी थी भाई इसकी, ऐसी कि उसने इंसान खरीद लिया उसके बदले। नाइकी की टी शर्ट पहना है वैसे, नहीं अमीर तो लग रहा टकलू। तो लड़की से उसने पूछा होगा कि फीस कैसे दोगी, ऑनलाइन या UPI या कैश? तो उसने बोला होगा मैं हूं ना सर, पूरी की पूरी फीस। रियाज ये गलत फायदा उठा रहे हो लोगों के सिंगल होने का है। लड़कियों की वीडियो इंस्टाग्राम पे ज्यादा चलती है क्योंकि सिंगल लोग ज्यादा हैं बेचारे, गर्लफ्रेंड बन नहीं रही, लोगों को देख के खुश हो रहते हैं। अब यहाँ पता लग रहा है जिस लड़की को लड़की समझ के देख रहा था वो लड़की लड़की नहीं है। क्या एक्सप्रेशन दे रहा था। इफ यू थिंक यू आर ब्रेव देन वॉच टिल एंड। देखेंगे देखेंगे फुल ब्रेव। डर गया मैं, मेरी सांसें अटक गई, मेरा हार्ट फेल हो गया। अंजलि अरोरा के कितने हो गए वैसे? मेरे को मत फॉलो करो बस, तुम लोग इंस्टाग्राम पे सबको कर लो, नीचे है इंस्टाग्राम की आईडी, प्लीज सपोर्ट। कुत्ते ने टक्कर मार दी उसको गाड़ियों से तो बच गया वो। मेरे को बचपन में एक बार गाय ने टक्कर मार दी थी, मैं उसको ऐसे रोटी दिखा दिखा के वापस खींच रहा था, उसने ऐसे उचका के बाजू में वो था मतलब कचरा पड़ा रहता है ना जो प्लाटों पे वैसा। बहुत बचपन की बात, बहुत छोटा था पर लगी बहुत जोर से थी, आज भी पिछवाड़े में दर्द है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जब तक वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, फेवरेट पार्ट कमेंट करें, और हाँ मुझे बताएं किससे रिलेटेड चाहिए आपको अगली वीडियो, मतलब कैसे मीम आपको पसंद है वैसे ढूंढ के लाएंगे ना। टाटा बाय बाय। बाय बाय। अरे मेरा पलंग नीचे आ गया रे।